Assalamualaikum students, hope you are doing well. आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि अगर आप VULMS या VULEVAL का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना VULMS का जो इंटरफेस है वो ओपन करना है, vulms.vcu.edu.vk. ये आप करेंगे तो ये सामने आपके जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं ना, साइन इन के नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड. अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाके आप इसको यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल देंगे और अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपसे वो स्टूडेंट आईडी मांग रहा है. स्टूडेंट आईडी आपने लिखना है MC190. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ. नीचे आपने अपनी पर्सनल ईमेल, ये वो ईमेल है जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो हमें दी थी, और जो है ये आपके VULMS के प्रोफाइल में भी मेंशन होती है. इसी ईमेल के थ्रू आप अपनी VU की जो LMS है या आपकी ईमेल है उसको रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा कोई ईमेल आप यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ पर अगर आपको ख़ुद मालूम नहीं है कि आपके LMS के प्रोफाइल के अंदर कौन सी ईमेल लिखी हुई है तो आप अपने कैंपस से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको रिकॉर्ड में से चेक करके बता सकते हैं कि आपकी रजिस्टर्ड ईमेल कौन सी है. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल लिखेंगे और नीचे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं पासवर्ड रिकवरी के लिए कि आप LMS का पासवर्ड रिकवर करना चाह रहे हैं, VULEVAL का पासवर्ड रिकवर करना चाह रहे हैं या दोनों रिकवर करना चाह रहे हैं. तो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ LMS का पासवर्ड कैसे रिकवर करना है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और नीचे ये सेंड के बटन पे क्लिक कर दें. तो ये देखिए नीचे आपको एक मैसेज आ जाएगा रेड कलर में, पासवर्ड चेंज लिंक हैज़ बीन सेंट एट योर ईमेल एड्रेस, प्लीज़ चेक योर ईमेल. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो हमारी रजिस्टर्ड पर्सनल ईमेल है उसको ओपन करेंगे. तो ये देखें इनबॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट की एक ईमेल आईडी है. इस ईमेल को आप ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको रीसेट पासवर्ड का ब्लू कलर में लिंक दिया हुआ है. आप इस लिंक पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो जाएगा. यहाँ पे आपने अपना अपनी मर्जी से कोई भी न्यू पासवर्ड सेट कर सकती हैं. तो जो भी पासवर्ड, जैसे कि आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपके पासवर्ड के अंदर कुछ जो है वो कैपिटल भी होना चाहिए, कोई एक आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कोई डिजिट भी होना चाहिए. तो इस तरह से इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने एक वैलिड पासवर्ड क्रिएट करना है और वो आपने यहाँ पे लिखना है. तो आप जो है जो भी पासवर्ड लिखें, जो भी पासवर्ड चेंज करें, आप जो है उसको ज़रूर अपने पास डायरी में भी नोट कर लिया करें ताकि आपको फर्दर परेशानी ना हो. ठीक है, अगर परेशानी हो आपको, अगर आप भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से रिकवर कर सकते हैं अपना पासवर्ड. ठीक है, तो अभी ये देखें हमने पासवर्ड दोनों जगह पे टाइप किया तो उसके बाद हमें मैसेज आ गया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेस. तो हम इसको अब चेक भी कर लेते हैं LMS को लॉग इन VULMS.VU.EDU.VK ओपन करें और यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड लिख के उसको आप चेक करें. ये देखिए ये हो गया आपका. तो इस तरह से ईमेल का पासवर्ड भी आप रिकवर कर सकते हैं. चलो मैं नेक्स्ट वीडियो कोई आपके लिए ईमेल के लिए भी बनाऊंगी. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.